गुरवे मंगलचंदाय राधिकाय यशोदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अंगश्यामले सदाभिरमितो मंगलतरुदेवरं जटं जातरोचिसंविदधसमपट्टं परस्य वृंदावनिवासिनं मदिरसत्तामाधिरामोदरं राधास्कंदनिवेशितं जलभुजं ध्यायेन्नाम परमारंभतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र शास्त्रभक्ति प्रज्ञा शेषव स्वामी महाराज श्री प्रेजा राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से आज करीब करीब 26-27 दिन परिक्रमा के तीर्थ रूप से अच्छी तरह से संपादित हुई और हो रही है। इसके उपलक्ष्य में करीब करीब सभी बाणों का दर्शन हो चुका है और अवशिष्ट ओकिलगण जावर पैठान छोटी पैठान बड़ी पैठान चरण पहाड़ी कोटपन ये सब होते हुए हम लोग खदीबन होते हुए परिक्रमा समाप्त करेंगे और दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने व्रत का समापन करेंगे। इसमें हम लोग अभी माधुर्य कार्यक्रम श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी का व्याख्या हम लोग कर रहे हैं जिसमें उषामयी धन का लाभ हो गया है अपूर्व विकल्प के संबंध में बतला रहे हैं। आचार्यों की बड़ी कृपा है ये हम लोगों की भीतर की भावनाओं को देखते हैं और उसे सुधार करने का चांस देते हैं। तो अनिश्चिता भजन की दशा में साधक के मन में जब भजन विषय नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प उदित होते हैं उसे तीर्थ विकल्प दीक्षा और गुरुपाद पद्म से भजन शिक्षा के पश्चात साधक विवस्थाश्रम में रहकर से भजन करूं या त्याग करके वृंदावन में जाकर गुरु के निकट में भजन करो। क्या मैं गृहस्थ हूं या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी अथवा संन्यास कर तरह तरह के ये संकल्प और विकल्प उठते हैं। क्या मैं पुत्र स्त्री परिवार सबको शिक्षा और दीक्षा दिलवा दो और एक साथ रहकर परिवार के साथ में भजन हो ये अच्छा रहेगा ये अच्छा रहेगा परिवार के साथ में भजन करो। उसी बात में फिर सोचता है आई गृहस्थाश्रम में रहने से परिवार का पालन पोषण करने के लिए विषयों का काम में दिन रात डूबना पड़ेगा भजन का समय मिलेगा तो दिन के बाद में बाल बच्चे भी हो जाएंगे बहुत काम करना पड़ेगा दिन रात तो भजन का समय मिलेगा उस समय जितने भी ठीक होगा तो क्या करूं इस अवस्था में क्या मैं पुत्र कलत्र सबको छोड़ करके विक्षेप रहित चित्त से
श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति के अंगों का अनुष्ठान का कृतार्थ हूं। यदि संसार के त्याग करते हो ताले प्रथम भोग करें, नहीं तो जब छेड़े दी आप भोगे लालसा है ताले तो बांधा ही होते उनका भाग होते। पुनः सत्य विचार करें, जब तक विषय भोगों की वासना है तब तक अधिक प्रकार हुआ, जब तब तक विषय भोगों में रहने की विषय आसक्ति और भी अधिक गाढ़ हो जाएगी। यदि विषय में रहूं और भी प्रकार से प्रगाढ़ हो जाता और एक कथा क्या कहता हूं, जैसे कि गीता गीता का संसार, गीता संसार न हो जाए परंतु मृत्यु तो अवश्य मानी है, मरते तो अवश्य ही होवे, कखन मृत्यु हो जाए किछु जानि ना, एक कैंपर ही समझे पर क्या कर दिया है। जब तक अनुराग भगवान के प्रति कम रहता है, जखन पर्यंत अनुराग कम था तमन पर्यंत यही सब संकल्प भी कर, किंतु जब अनुराग ठीक रही जाए अंत रुचि पर्यंत जब ऐसे जाए तारे यही सब अवस्था है। तक रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की अन्य मे गुरु वर्गर मत छो विचार करे ना भगवत भजन कराइए हमारे मात्र जीवन तखन आ विचार करे जो कयादि समय माया जो श्रीदेव के निर्मिता तमिच्छा के काम अर्थानंद मृत्यु किरणेतु को विवाहता कपिल देवी देवती मैया से कह रहे हैं, हे मां भगवान की ये रचित माया बड़ी भारी है, ये 99 काफे इसी बड़ा भारी वर्ष की यही में स्थित रूपी माया धीरे धीरे सेवा करार महाना के ऐसे उपस्थित इटा के तृणाच्छादी अग्नि पथ बने पड़ते हैं, आलू ज्यादा ही है तार पर पीड़ित दिए दिले की हो गए आलू तो पड़ गया एक क्षण जब जमाने में जैसे ही क्या और देवी हस्तर श्रम का विश्वास बढ़ता हो मने मन रूप से चले जाओ त्याग करें ये भजन का। अब फिर विकल्प उत्पन्न है, यदि त्याग करता से यौवन अवस्था से ना करे प्रौढ़ अवस्था तो 50-60 बसर एक बोर ये चिंता करते ही भागवत इसका श्लोक मने जाए जो दुष्ट जान दासतान सुधिकराज्यम प्रवेश जहो जुवाई को बलवत उत्तम श्लोक लाभ से नारायण 50,000% अर्थ आयुक्ता लखन चिंता कर दिए नीति कर ले महाराज भर दुष्टज्य स्त्री पुत्र स्वजन राज्य विराट समस्त विश्व सम्राट जहां जन बड़ो बड़ो लोग लालायित देवता लोग लालायित कोई दुर्लभ संपत्ति हो ना छड़े मनोज पर त्याग कर दिए चले यह सब उनके लिए उचित था मन मन भाव से तार जन तरीका उचित थी
जिन महापुरुषों का चित्त जे महापुरुष से चित्त भगवान मसूरन की सवाल में अवरक्त हो गया, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद की ऊंचाई के संसार की बातें और तेरह से यही समय के पद क्या कर यही भाव हो मैं पितर पलात्मजातना कदम जीवन के दो पिता आगो कहते हमारे माता पिता तो वृद्ध हो गए थे, आप तो धा दे रहा है सहारा ना है, हमी जल्दी छेड़े दी ताले ताले के पे पाल हो सकते अभी बच्चा भी छोटे छोटे उधर के थे देख थे ओ सब जाते थे और तब से दाल पर होते चले नहीं मेरे कहने पर हमें जब ना करेंगे अनाथ और दुखी हो जाएंगे कैसे जीवित रहेंगे और तेरे माता पिता के मृत्यु के बाद नहीं और बच्चों के बड़े हो जाने पर संसार छोड़ भी नहीं कोई स्थिर नहीं कर पाता इसीलिए इस प्रकार पर दिवस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है वह मूलमती व्यक्ति विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझ करके जीवन को खार कर देता है। सारा जीवन कटे एकेबारे नष्ट पड़े गए, मनुष्य जन्म एकमात्र भगवत भजन प्रतिष्ठा अर्जन करा धन संपत्ति अर्जन करा ताकि भोग पर हो यही सब न जाके दीक्षित चित्त पाए हैं एकांत चित्त मथुन अमान्य गुरु पर के मथुन जब तक विषय हमारे ग्रहण करना दरकार बस कोई क्या के ग्रहण पर हो और सब विषय प्रत्याशी से भजन कराई बुद्धि माने गुरु वैष्णव अंत हमारे आप सबके गुरु वैष्णव यदि गुरु वैष्णव हमारे अभाव ना लागे ताले हमारे अव्यवस्थित चित्त को ठीक नहीं कौन ये कुछ हमारे पड़े हो गुरु वैष्णव पड़े परामर्श सुन लो पूरा क्या बोलते तो बंद कर दिए से समस्त गुरु के पालन करा उचित भजन करते पांडव को कार्य जन्म दिया और घरों छोड़े थी भजन लेखन भी गृहस्थाश्रम लिखा कि चलता समय वृंदावन में जाओ यही समय से प्रत्याग करना उचित है। कृष्ण उद्धव के बोले से तस्मान मत भक्ति युक्त से योग नो वही पदार्थ न ज्ञान न च वैराग्य प्राय से योग भवे दिगत मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न होने वाले भक्ति योगियों के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त इस विश्व में ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठ करते हैं प्रारंभिक अवस्था में वैराग्य और ज्ञान कुछ लाभदायक अंत में नहीं इसलिए इस आत्मवचन से ये जाना जाता है कि वैराग्य के द्वारा भक्ति उत्पन्न नहीं होती बल्कि भक्ति के उत्पन्न होने पर जो वैराग्य है वो कुछ दोष ही देखा जाता है। इसलिए यथा क्या यथा युग किन्तु भक्ति के द्वारा उत्पन्न वैराग्य दोषजनक नहीं होता, भक्ति से जो उत्पन्न वैराग्य होता है उसमें दोष नहीं होता है। फिर वह सोचता है तावत रागाद्य तेना तावत का राग्य विनम तावन बहो अंगो जावत कृष्ण श्याम सुंदर जब तक जीव तुम्हारे चरणों का आश्रय नहीं करता जो तो समय जीव भगवत पाद पद्म में आश्रय करना तत्म राग आदेश चोरण मधुन
तार संपर्क को अपहरण करे। आज गृह कारागार और बंधन का कार्य और तभी तक मुंह उसके पैरों में बेटियों की भांति जबरे रहता है। अतः गृहस्थम में आश्रम ही गृहस्थ आश्रम में ही रहना और कल्याण। इस प्रकार से कभी संकल्प करता है छोटे का, कभी विकल्प करता है। और इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन इत्यादि के विषय में एक अंग पालन करो ना सब अंग पालन करो। कभी कभी श्रवण कीर्तन भजन के अंगों के विषय में भी नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते हैं। कभी कभी चिंतन करें शास्त्रों में नाम संकीर्तन प्रचुर महिमा, अतएव हमें केवल मात्र नाम संकीर्तन करें। और कखनो कखनो बोलिए शास्त्र में शरणांग की बहुत महिला महिला निजे के उन्नत निजे प्रति स्निग्ध वैष्णव निकट हरितता श्रवण महत्व सबसे कखनो कखनो हमारे अर्चन आनंद महिमा देखे ओदी चुपे जाए। कखन अम्बरीश महाराज की भक्ति के भांति अनेक अंगों को पालन करने की बात सोचता है। कभी कुछ कभी को किसी को भूल विकल्पा संश्लेषण पद्मश्री गुरु गोरांग आफ्टर कम इज गोइंग सक्सेसफुली एंड वी आर कंप्लीटेड दास नमो मच ऑल द मेजर फॉरेस्ट इन राजमान परिक्रम। सो इन रिगार्ड्स टू श्री मधुर कैलमिनी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड उत्साह नमाने ज्ञान कवर। Now comes the third type of anishchita bhajan, when the bhajan is not fixed, that is called dhyuravikalpa. Therefore, our mahajans are very merciful. Despite being in their liberated condition, they are seeing our present state and they are giving this madhurya kadambini so we can have some medicine, some upaya to come out of our present difficulty. Therefore, dhyuravikalpa means an inability to make any decision. Sometimes the mind oscillates between sankalpa and vikalpa, accepting and rejecting. In this regard, Sri Krishna Chakravarti Thakur is saying, after Diksha, then the subject thinks, should I stay married or should I marry? Or should I leave everything and go to Vrindavan and do bhajan near Gurudev? Or maybe I should stay in Grihastha life and give shiksha to my wife and children and we can do bhajan together. Then he thinks that Grihastha ashram is very difficult. I'll have to work hard day and night. I'll have no time for bhajan. My mind will always be disturbed by many types of difficulties and I cannot fix my mind. Then the sadhak also thinks, if I leave everything in an early stage, and maybe my renunciation will not be mature. First I should enjoy everything properly. Otherwise later if I become a sannyasi and I have not enjoyed and I can regret after, then I may fall down and become a vanprasi. So he thinks as long as the tendency to enjoy remains in the heart, then what should I do? I should get rid of that first and become sannyasi. Otherwise, if I leave everything and that attachment comes, then I'll end up like either samsa, a miserable condition. Then his mind oscillates again, but death may come at any time. So I should leave everything for bhajan. Also, Shastra says many different arguments. As long as attachment to Krishna has not arisen in the heart, one should remain in his present situation. Like this, his mind oscillates between staying in the Grihastha ashram or becoming renounced. Someone who has reached the stage of ruchi, like Raghunath Das Goswami, there is no need for any of this. They will simply run and leave everything. Raghunath Das Goswami did not have to
make many decisions. Should I do this? Should I do that? But he left everything for Bhajan. Therefore, Shastri gives very different conclusions also. Kapila Dev said to his mother Devahuti, "Oh Mala, Maya is very strong. She comes as a female disguise and performs seva in order to trap you. Therefore, woman is like a dry well covered with soft grass. It looks very nice, but when you go to violence, then you lose your life. Therefore, mother, do not put faith in the Grihastha ashram." Then hearing this, then the Sabha thinks, "Well, I definitely should take sannyas." But then he hears in the Bhagavatam the life of Bharat Maharaj. Oh, Bharat Maharaj, he learns everything in a proper time, at the halfway point of his life. Therefore, I should follow like Bharat Maharaj. He enjoyed everything, he had such opulence, even the devotees were envious of him. But he learned it naturally, in an appropriate time, just like one leaves school after passing it. Therefore, for some Mahajans, material, even bhakti is insignificant, what to speak of material enjoyment. Then another verse in the Bhagavatam comes, "Oh, my mother and father are old, they have no one to take care of them. My children are very small at this stage. Maybe after my parents are dead and my children are developed and can support themselves, then I will leave everything." But such a person who thinks like this, their material desires will never be extinguished. Simply their material enjoyment will increase, and they will waste their life. Therefore, we should remember that life is only for bhajan. Therefore, we should do bhajan following the instructions of our Guru Parampara. What is essential for maintaining our life, we should accept only that and not more or not less. Therefore, we should be under anugatha of Gurudev. And with eyes closed, we should follow their instructions with one point of determination. Then the Sadhak thinks, in the 11th canto, Krishna said to Uddhava, "Oh Uddhava, my bhakti is independent. She is not dependent on jnana and vairagya." Therefore he thinks that vairagya which comes separately from bhakti, that is useless. If I do not have bhakti, why I should renounce? But that vairagya which comes with bhakti, then there is no fault in that. Therefore what should I do? Also, as long as Bhagavatam also says, unto that time when the jiva has not taken shelter of Krishna, that unto that time he remains bound by lust and greed, until that time his wife and children simply remain like chains around his neck. The conclusion given that if one is doing bhajan, even his wife and children cannot chain him. What should I do? Also, Chaitanya Mahaprabhu's associates, many were Krihastas. His mind is oscillating. What to do? Where to go? How to do? Then sometimes you think, should I follow only one of the angas of devotion, or should I follow all of them? When he hears the glories of Kirtan and Nam Sankirtan, then he resolves, I will do only that thing. But other places he hears Svajatya Sveshnika, one should always hear from the devotees who are affectionate to us, who are more advanced than us and who are in the same line as us. Then he hears the glories of Shravan. Other places he hears the glories of Achan. I should do Achan, I should worship the deity. Then sometimes he hears about Maharaj, he did all 9 limbs of devotion. So should I do 1, 2, 3 or all 9 limbs of devotion? This mind is oscillated, his mind oscillates between all these things. One can think that the Shastra has told it is made by males, and that is why they have told that females are like covered male which is burning. But now, is it fair? If a lady will make Shastra, he will have to write it. So they don't think like this. Or a part,
कृष्ण भक्त देश का पते होता सिद्धि मुक्ति मुक्ति कामी यहां पर एकमात्र बहुत भजन इच्छा के और जो कुछ प्राप्त हो जिनका निर्धारण करना और फूल के ग्रहण पर तारा शांत भावे के जब खाली छाड़ा हो सब कुछ छेड़े जे रकम परिस्थिति आए तार मध्य करते नहीं उत्साह निश्चय तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग असत संग त्याग संग त्याग सतो वृत्ति काले भक्ति संसार में वासना के भी था है क्या वो संन्यासी हो भक्ति हो भक्ति पक्षी जन्म पूछा हमें शांत करे जबकि काम आवास सब दुख कर उत्साह निश्चय एक ही होते भक्ति राज्य समुद्र और पंडा विदाई जन हमें बोले अपना सकली ब्रह्मचारी राज्य हमें दिखे तुम लोग भी उठ करके पंडा के बल दिए पंडा की प्रणामी सभी लोग देंगे पंडा प्रणामी सभी लोग जो तुम दोहे पंडा प्रणामी दिस इज लास्ट Afternoon, 3 o'clock. You can write your name outside. There is a sheet hanging on the wall. We will only order as much buses as the bodies are registered. So please register soon. Please remain seated for one moment. Yeah. All of you also see every day Isha Prabhu. Can you stand up, Isha Prabhu? He's in the Bhagavati. Every day he's making movie of all good days. Class. And you can order the movie on DVD with Isha Prabhu. He will send it to your home address for minimal cost. Yeah. He's very eager to distribute the glories of Srila Gurudev and our Parampara. So please meet him at the stand outside or just go up to him and order your set of DVD movies for this 2006. Kartik Parikrama Festival. I have one important announcement. Please pay attention, this is a very important announcement. For the pleasure of Srila Gurudev and under his guidance, our Sangha is going to make a major commitment to education, to the future of training young Vaishnavas and Vaishnavis in Badger. We're going to start a foundation for education, and part of that will be the funding of the Badger School, as well as the acquisition of the Badger property. Srila Gurudev has kindly told us that the Badger property is really a tirtha in that he's visited there, I believe, 12 times or more. I would like to invite any of you who are interested to help us acquire the property, to act as a patron of the school, to give some contribution, either in resource or time or good ideas. Rajanath Prabhu and I will be right behind the deities at 3 p.m. this afternoon. So please, all of you who have a passion for education
and who want to help the future of our Sangha, please come at 3 o'clock behind the dais. Thank you. And there will be a presentation there in detail. We'll answer all your questions. This year I'll get some Mongolan Bhavatu, but I didn't.